नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे में कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ये आपको मैं सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे लिखा है कि RPF का भर्ती होने वाली है। पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसके अलग फिर से भर्ती होने वाली है। तकरीबन 9,000 वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें आधातर जो वैकेंसी होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये सभी इसमें लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि आज ही का ये आपका जो भी ये न्यूज है, जी न्यूज है, उसका आप ब्लॉग देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको डेट दिखा देते हैं, 28 का है, ठीक है, 28 जून 2019 का। तो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, आज ही संसद भवन में राज्यसभा में ये पीयूष गोयल साहब बता रहे थे कि कितने भर्ती का आपका जो रेलवे कांस्टेबल है उसमें भर्ती होने वाली है। देख लेते हैं, पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे सुरक्षा बल 4216 कांस्टेबल और 201 उप निरीक्षकों के पद पे महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इतना तो है सिर्फ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी है, यानी कि टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF में खाली पड़े 9,000 पद, यहाँ पे आप देखेंगे 9,000 टोटल पद, खाली पड़े 9,000 पद पे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेल मंत्रालय ने खाली पड़े इन पदों पे आधे महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है, यानी कि इतना वुमेन कांस्टेबल भर्ती की जाएगी और 201 SI का भर्ती होगा और टोटल जो बच गए उस पर पुरुष लोग यानी कि बॉयज लोग का भर्ती की जाएगी। तो यानी कि टोटल 9,000 पद है जो कि अब निकलने वाली है। राज्यसभा में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो ऑब्वियस है कि जो पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट है वो हमेशा मतलब कि सही होता है, और नेताओं की तरह नहीं कि बोल दिए और हो रहा है, प्रोसेस में लग रहा है, 2 साल 3 साल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीयूष गोयल साहब बोलते हैं अधिकतर बार वो हो जाता है। तो यानी कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि कुछ ही समय में आपका जो 9,000 जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए इतना पद फिर से निकाला जा रहा है। अगर पिछली बार RPF में चूक गए थे, हो सकता है बहुत सारे फिजिकल को क्रॉस नहीं कर पाए होंगे, तो इस बार आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी दी गई है कि पिछली बार अगर सिलेक्शन ले पाए थे लेकिन फिर भी अगर फिजिकल में नहीं हो पाया था तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका रिटर्न निकल जाता है। तो फिजिकल के लिए धीरे धीरे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम से बर्डन के तरीके से लीजिए, पढ़ते भी रहिए और शाम को या सुबह को कभी कभी जो खेलने के लिए निकलते हैं उसमें आप फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करते रहें, ताकि जब भी आपका ये फॉर्म भरा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो फिजिकल में, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।